नशा कर लिया करूंगा, लेकिन हम यहाँ जो उनको एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा डिजीज मॉडल पे अप्लाई करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें आगाही देते हैं कि अब उनके लिए नशा एक तरह से ये एलर्जी हो गया, उनका जिस्म एलर्जी हो गया, आसान अगर उसमें कहें। अब कोई भी नशा करेंगे वो कंट्रोल करके नहीं कर सकते, अब जब भी करेंगे तो वो बेतहाशा करेंगे, तो इसलिए इसको डिजीज़ के तौर पे हम उसको कंसीडर करते हैं। तक बात कर हर किस्म के हमारे पास आते हैं, अल्कोहल भी है, चरस भी है, आइस भी है, और दूसरे जितने भी नशे मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं। अल्कोहल वालों को आने में बड़ा टाइम लगता है इलाज गाह में, तो अल्कोहल वाले अमून फैमिली भी इतनी ज़्यादा उस चीज़ को बुरा नहीं तसव्वुर कर रही होती, और वो भी बोले नहीं इससे क्या है, तो दुनिया पी रही है, लेकिन उसको लेके आया जाता है यहाँ। लेकिन अल्कोहल के बारे में तो क्लियरली स्पिरिचुअली और रिलीजियसली भी नाम के साथ मेंशन्ड है, क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ। यकीनन वो है, अपनी जगह चीजें है ना, लेकिन वो अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर 90% जो अल्कोहल बनती है, 90% जो अल्कोहल है वो कौन पीता है, शुगर वाले, 10% है जो एडिक्टिव की तरफ है। अच्छा। और बदनाम कौन है, एडिक्टिव। तो हम अभी अगर मजहब को साइड में रख के एक बात करें, ट्रीटमेंट या मर्ज की बात करें, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल हर नशा ही हराम है ना, अगर बात करें तो हर नशा हराम है वो तो। अब केमिकल नॉन केमिकल दोनों तरह के होते हैं नशे, केमिकल ये आपने बताया, जो दूसरे आपने बताया ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, गैम्बलिंग है, सेक्स एडिक्शन है, वर्कोहलिक है, ये सारी चीज़ें यही एडिक्शन है। अगर कोई भी चीज़ की ज्यादती है वो हमारे सारी चीज़ों को मुतासिर करती है, जिस्मानी भी, नफ्सियाती भी, रूहानी और माशरती पहलुओं को, वो दोनों तरह से ही मुतासिर करती है। तो अल्कोहल के भी आते हैं, अल्कोहल को वाले को आने में बिल्कुल आपका अच्छा है कि बड़ा टाइम लगता है इलाज गाह में आने को। अच्छा, यानी वो काफी लेट कन्वेंस होता है, काफी लेट क्विट करना चाहिए, यकीनन फैमिली भी। अच्छा, एक तो बाज़ुकात मरीज तो होता नहीं है, तो नहीं नहीं मैं तो छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है सारा सिलसिला, लेकिन फैमिली भी कि चलो शराब ही पी रहा है, वो इसी पे रह रही रहती है कि चलो यार कम किया करो, इतना ज्यादा नहीं करो। जबकि अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स अगर देखें तो वो क्रिस्टल से, आइस से कहीं ज्यादा है। अच्छा जी, साइकोटिक पेशेंट उस तरफ जाते हैं, साइकोसिस करने की सलाहियत रखती है, फिर उसकी वजह से लीवर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा, जो क्रॉनिक हो जाते हैं लीवर का, बहुत ज़्यादा असरात आते हैं।